अपनी जर्नी पचमढ़ी से और हमें लगने वाला है कुछ 4 से 4.5 घंटे भोपाल पहुंचने में। गाड़ी में बैठते ही सोम दादा तो सो चुके हैं उधर, अब मैं और सर्वेश बचे हैं। आज तो बहुत छोटा सा, इट्स जस्ट लाइक 4-4.5 आवर्स, वो तो सर्वेश ऐसे चुटकियों में कवर कर देगा। घंटे हो गए चलते हुए और हम सोच रहे थे एक ब्रेक लेने का, पर यहाँ तो सब जगह जंगल ही जंगल, कोई भी आउटलेट कुछ हमें दिख नहीं रहा है, कुछ पानी वानी पीने का, फ्रेशन अप होने का। तो बस 10 मिनट यहीं पे स्ट्रेच आउट कर रहे हैं और फिर शुरू करते हैं अपनी जर्नी। सौमिल दादा उठ भी गया है, आज इसने सुबह से कुछ नहीं खाया, ही इज फास्टिंग टुडे। कितने घंटे का फास्ट हो गया? 9 बजे खाया था कल गिल ने, कल रात को 9 बजे, और अभी बज गया है 1। 16 आवर्स हो चुके हैं। Good. खा लिया सर, अब शुरू करते हैं अपनी जर्नी फिर से। अब तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आई थिंक वी गोना टेक जस्ट 30 मिनट्स। पर इतनी तेज भूख लग गई थी ना, कंट्रोल नहीं हो रहा था, सोचा भैया कुछ खिला दो। फाइनली सर्वेश को एक उचित जगह भी दिख गई तो खा ही लिया। क्या हम ठहरेंगे यहाँ पे, और इसको तो बिल्कुल ही सामने लेक है, सो वी कैन कम हियर फॉर वॉकिंग ऑल्सो। शाम को भी तो बहुत गर्म हो रहा है। भाई ऐसा वाला तो मैंने इतना स्पेशियस तो कहीं पे भी नहीं देखा, लाइक नीदर इन दिल्ली नॉर इन मुंबई, इट इज सो स्पेशियस रूम। वाओ दैट्स ब्यूटीफुल, देखते हैं जरा व्यू क्या है। व्यू तो कुछ खास नहीं है इधर से, सी दिस स्मॉल गेस्ट्स, दे मेक यू फील सो वेलकम। बना रहे हैं हम कॉफी सॉन्ग के लिए, लेक इज देयर, इसमें भी वॉक पे जा सकते हैं शाम को। मी एंड सर्वेश आर गोइंग टू हैव कॉफी डाउनस्टेयर्स। चले सर, जब मैं कैमरा ऑन करती हूँ अपने गेंस दिखाने लग जाता है, मेरी वजह से ही तेरे व्यूज आते, सब लोग मुझे देखते हैं, देखती जान बदले हो। अब हम जा रहे हैं फिर से स्विमिंग के लिए, आई थिंक, लेकिन मुझे करना है काम, ये दोनों करेंगे स्विमिंग, तब तक मैं करूंगी अपना काम बैठ के वहां पे। गोइंग फॉर डिनर, इन लोगों को तो भूख नहीं लगती है, मुझे तो इतनी नींद भी आने लगी और भूख भी लग रही है। वीडियो उधर चल रहा है सर, ये अपनी फोटो समझ के तीन दोनों।
एक करोड़ व्यूज आराम से, सब पागल हो जाएंगे। बोलना मेरे बिना आते नहीं है इसलिए कह रही है। अब साफ करके जाएगी क्या? अच्छे से छोड़ के जाती। रेडी होकर हम जा रहे हैं अब सांची स्तूपा देखने के लिए फाइनली, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर सांची स्तूपा। पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी, इस एक्साइटमेंट में मैंने आज साड़ी भी पहनी है। मैंने सोचा आज वही पहन के जाया जाए। यहाँ से हमें लगेगा पहुँचने में 1 घंटा 15 मिनट शायद। एंड आर स्टे इन ताज वॉज ऑसम, इट वॉज लाइक सो गुड, द स्टाफ इज सो लविंग, सो केयरिंग, एंड एज ऑलवेज ताज यू आर द बेस्ट। वी आर जस्ट 5 मिनट्स शॉर्ट ऑफ सांची स्तूपा। अभी वी हैव टेकन अ शॉर्ट ब्रेक, पानी वानी पीते और उसके बाद हम चलते हैं। चोर चल, पैसे निकाल, चोर पैसे निकाल। चोरों की तो मैं बहुत पिटाई करती हूँ। आजा सॉन्ग बताओ क्या? कितने रुपए की टिकट आई? इधर आ जाओ भाई फ्रेम में। इंडियन 40 बाहर वालों के लिए 600। ओके, एंड 35 रुपीज इफ यू मेक डिजिटल पेमेंट। यस, बाहर से हमने देखा था एकदम ऐसे हिल टॉप पे बना हुआ है, इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। जाके देखते हैं आप उसको लाइव एकदम। ये है हमारी पार्किंग और यहाँ से थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है भाई। सबसे पहले तो गाइड करेंगे एक जाते ही। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि चाहे आप जितना भी उस जगह के बारे में जानते हैं, आपने नेट में पढ़ा, इट इज ऑलवेज बेटर टू टेक अ गाइड, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह समझाते हैं। पहुंच गए हैं हम सांची स्तूपा, जो कि है सांची सिटी इन मध्य प्रदेश। आगे स्तूपा को जानने से पहले अपना 200 रुपीज का नोट निकाल कर रिवर्स साइड पर देख लीजिए। ये जो मॉन्यूमेंट बना है आज हम उसी को देख रहे हैं। अब 200 रुपीज की करेंसी के ऊपर बना है, तो आप समझ सकते हैं इसका इम्पोर्टेंस इन इंडियन कल्चरल हेरिटेज। सांची सिटी इज अबाउट 50 किलोमीटर्स फ्रॉम भोपाल एंड इज इजिली एक्सेसिबल बाय रोड और रेल। दिस स्तूपा वॉज ओरिजिनली कमीशन बाय मुगल एम्परर अशोका द ग्रेट इन द 3rd century BCE। ये जो कार्विंग्स आप देख रहे हैं कुछ नॉर्मल ऐसे रैंडम कार्विंग्स नहीं की हुई हैं। इनफैक्ट ये कार्विंग्स बुद्धा की पूरी लाइफ स्टोरी को डिपेक्ट करती हैं। और ऐसे 4 गेटवेज बने हुए हैं स्तूपा में। सांची हिल टॉप इनफैक्ट आई थिंक इज द परफेक्ट प्लेस फॉर मोनास्ट्री, क्योंकि इतना अच्छा सूटेबल एटमोसफेयर है फॉर मेडिटेशन एंड अदर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। The stupa is a UNESCO World Heritage Site and is a must-visit place for anyone interested in history and architecture. Original दिखाया, restored भी दिखाया। Original दिखा नीचे, restored दोनों portion दिखाया गया currency को। Restored वाला भाग भी original। और 200 पे सांची क्यों लिया गया? 1818 discover किया और 2018 अपना end हुआ था, 200 years हुआ discover, इसे 200 पे सांची लिया गया। Okay। सर इस stupa जो होता है समाधि होती है और ये पेव होता है, अंदर जाने का route नहीं होता है। इसको बनवाया था सम्राट अशोक ने 300 BC में। जो स्तूपा अशोक ने बनाया उसके अंदर वो आपको बाहर से दिखाई नहीं देगा। अशोक ने स्तूप बनाया था 13 फुट ब्रिक का, ईंट का बना, वो अंदर है। क्यों? तो ऐसा रहा हमारा भोपाल का ट्रिप। और ऐसी अच्छी अच्छी जगह अगर आप भी हम सबके साथ देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर।